बकाए बिल को लेकर चास नगर निगम और विद्युत विभाग आमने सामने है। बता दें कि दोनों का बिल एक दूसरे पर बकाया है, जिसकी वसूली के लिए दोनों अधिकारी एक दूसरे पर बड़ी ही शालीनता से आरोप लगा रहे हैं। विद्युत विभाग का कहना है कि उनका 4 करोड़ रुपया विभाग पर बाकी था, जिसमें से आधा रुपया मिल गया है, लेकिन अभी भी आधी रकम बाकी है। जबकि नगर निगम का कहना है विद्युत विभाग के पास होल्डिंग टैक्स का राशि बकाया है, यदि वे अपने बकाए का भुगतान करते हैं तो उनका भुगतान भी कर दिया जाएगा। इसके जवाब में बिजली विभाग का कहना है कि अभी तक उन्हें होल्डिंग टैक्स का बिल नहीं मिला है, अगर वे बिल भेजते हैं तो उनका भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि दोनों ही अधिकारी अपने अपने बिल के भुगतान को लेकर एक दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर ये मामला कैसे सुलझेगा। सरकारी विभागों में ये प्रक्रिया चलते रहता है और एक दूसरे के यहाँ जिसका भी रहता है बकाया रहता है और वो सरकार को भुगतान करना रहता है, सरकार बजट में उतना राशि देती है, तो बिजली विभाग भी मेरा बकाया होगा वो देता है और मेरे यहाँ भी जो उनका बकाया होगा हम लोग भी उनका भुगतान करेंगे। तो क्या आपका भी विद्युत विभाग के पास बकाया है? बिल्कुल। तो क्या ये समझा जाए कि वो आपका बकाया नहीं दे रहा, आप उसका बकाया? नहीं, वो भी मेरा बकाया देंगे। मेरे यहाँ जो उनका बकाया है, जो उन्होंने बिल दिया है, उस बिल को सुधार करके पुनः देने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है ताकि उनका भुगतान हम लोग कर सकें। Okay, इस पर यही कहना चाहूँगा कि जैसे विद्युत मत में जो बिल है इनको प्रत्येक मंथ यहाँ से दे दिया जाता है बिल, और उनका बिल अभी मार्च तक पेमेंट है, 3-4 महीना का ही बकाया है। और जहाँ तक बात आपने कहा कि होल्डिंग टैक्स की, इसकी कितना बकाया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये आप ही के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। अगर उनका कुछ दे बनता है तो वो उसका बिल मुझे सर्व करे, वो नियमानुसार विभाग को उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा और नियमानुसार उसके जो दे होगा वो दिया जाएगा। क्या नगर निगम आपको लगा होल्डिंग टैक्स? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक हमको नहीं मिला इस कार्यालय में, तो कम से कम हमको तो नहीं मिला है। हो सकता है कि उच्च कार्यालय में दिया गया हो, लेकिन इस कार्यालय को अप्राप्त है अभी तक। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।